हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। क्लास 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 7 जून को, उसके प्रिंस में मैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। आज मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। Find the probability of the card being a diamond. अभी सेम क्वेश्चन भी आता है, इसमें चेंज करके भी क्वेश्चन आता है। पहले इसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि चेंज करके क्वेश्चन आगे कैसे करेंगे। तो इसमें क्या दे रहा है कि आपको 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड आपका खो गया है, लॉस्ट हो गया है। जो बचे हुए कार्ड है उसमें से हम दो कार्ड निकाल रहे हैं और दोनों को डायमंड पाए गए। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो कार्ड खोया था वो डायमंड। अब देखो ये पूरे सैंपल स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 52 कार्ड्स है, में 13 डायमंड्स होते हैं और बाकी नॉन डायमंड होते हैं। तो कार्ड आपका या तो डायमंड खोया है या नॉन डायमंड खोया है। दो पार्ट में डिवाइड होगा, इवन और ईवन। और ए ये आपका बेस टू नंबर क्वेश्चन है। और ए वैल्यू इसमें होगा जो रिमेनिंग जो कार्ड है उसमें से दो कार्ड निकाल रहे हैं और दोनों डायमंड पाए गए। तो हमारा इसमें ऐसे होगा, पहले हम लेंगे इवन, इवेंट होगा event that lost card be diamond। कि जो इवन इवेंट लिया कि जो कार्ड एक खोया है वो क्या है, इवेंट दैट, ठीक है, इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड, ठीक है, बी डायमंड। ये जो कार्ड खोया है वो क्या है, डायमंड है। रीटू इवेंट लेंगे दैट लॉस्ट कार्ड is not diamond, be non diamond। जो कार खोया है वो नॉन डायमंड। और ए इवेंट इसमें हम लेंगे टू कार ड्रॉन फाउंड टू बी बोथ डायमंड, टू ड्रॉन कार आर बोथ डायमंड। ये दोनों क्या है, डायमंड। अब देखो इसमें पी इवन क्या होगा, डायमंड कितने होते, 13 टोटल कार्ड हो गया 52, तो ये हो जाएगा 13/52, ये होगा 1/4। पी ई टू जो होगा नॉन डायमंड कार्ड हो जाएगा 39/52, ये हो जाएगा 3/4। जो भी सिंपल स्पेस होता है उसका सम वन आता है, ये आपका 1/4 3/4 बन आएगा। अब होता है पी ए बाई वन, पी ए बाई वन जो कंडीशनल प्रॉपर्टी रहता है कि जब दो कार्ड निकाल रहे हो डायमंड, जब आपका डायमंड ही खोया है, इसका मतलब ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ टू डायमंड कार्ड of drawn two diamond card when lost card be diamond। तो देखो इसमें क्या है कि डायमंड होते हैं 13 और एक कार्ड आपका खो गया, वो डायमंड ही खोया है, तो बचा कितना 12। तो पहला भी क्योंकि दो निकालो तो पहला आपका 12/51, क्योंकि एक कार्ड आपका तो खोया हो क्या है, डायमंड है, तो टोटल में से एक कम होगा, डायमंड में से एक कम होगा। इनटू क्योंकि दो कार्ड निकालते हो तो आपका मल्टीप्लाई होता है, दूसरे कार्ड के लिए आपका आएगा 11/50। एक तो तरीका ये है, या आपका एक तरीका ये भी है कि दो कार्ड निकाल रहे हो 12C2, दो कार्ड निकाल रहे हो कितने में से 12, क्योंकि एक कार्ड खो गया वो डायमंड ही खो जाए, तो 12C2/51C2 टोटल जो आएगा 51C2। इसको भी आप सॉल्व करो तो यही है, आप चाहो तो इससे ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, दोनों चीजें क्या है, बराबर है।
उसके बाद निकालते हैं पी ए वाई, पी ए ए वाई टू में सेम एज आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन टू डायमंड कार्ड व्हेन लॉस्ट कार्ड भी नॉन डायमंड, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे आपको लिख रहे हैं सेम चीज आएगी और यहाँ पे डायमंड की जगह क्या आ जाएगा नॉन डायमंड। क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन टू डायमंड कार्ड व्हेन लॉस्ट कार्ड भी नॉन डायमंड, जो एक कार्ड का है वो डायमंड नहीं है, यहाँ पे भी सेम वही आएगा। अब देखो क्या है, जब कार्ड जो खोया है वो डायमंड नहीं है, मतलब जो कार्ड खोया वो डायमंड नहीं, मतलब डायमंड आप निकाल दो डायमंड फिर 13 होंगे, इसमें 13 सी टू आएगा, 13 सी टू अपॉन 51 सी टू टोटल में से कम होगा, आप इसको ऐसे लिखते हैं 13 बाई 51 इंटू 12 बाई 50, ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपका बेस थ्योरम, क्या आता है बेस थ्योरम कि आपको ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो हम क्या करेंगे अब इसको हमको मिलाना पड़ेगा क्योंकि हो नहीं पाएगा, यहाँ पे निकालना है यहाँ पे फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग ए डायमंड, ये आपको निकालना है पी इवन बाई, बेस थ्योरम हो गया हमारा पी इवन बाई, इसमें होता है पी इवन इंटू पी ए बाई इवन अपॉन, यह आएगा पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई टू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, पी ई वन 1/4 है, पी ई टू 3/4 है, यहां से आ जाएगा आपका पी वन आपका था 1/4 इंटू पी ए वाई वन, ये आएगा 12/51 इंटू 11/50 अपॉन पी वन इंटू पी ए वाई वन, सेम चीज आएगा 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस पी टू इंटू पी ए बाई टू, पी टू कितना दिया है 3/4 इंटू ये जाएगा 13/51 इंटू 12/50। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं हम, अब यहां से क्या करते हैं, ऊपर तो आप कैसे लेंगे, नीचे से देखो कॉमन क्या आ सकता है 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 अपॉन, नीचे से कॉमन जो आएगा आपका 1/4 तो कॉमन आएगा ही, यहां से 1 अपॉन 12 दोनों जगह वो कॉमन आ जाएगा और यहां से 51 इंटू 50 कॉमन आएगा, यहां से बचेगा आपका 11 प्लस 3 इंटू 13, देखो वही 4 से 4 कट गया, 1150 से कट गया, 12 से 12 कट गया, हमारा जो बचेगा ऊपर बचेगा 11 और नीचे बचेगा 11 13 3 या 39 और 1150, 1150 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर जो आपका आएगा क्या आएगा 1150। अब इसी क्वेश्चन में देखो ये आप लोग नोट कर लो पहले, फिर इसी में बता रहा हूँ कि कैसे चेंज करके क्वेश्चन आता है। ये इसी क्वेश्चन में आ चुका है बोर्ड में, जैसे दिया टू कार्ड्स आर ड्रॉन की जगह 3 कार्ड्स दे दिया है, ये दो कार्ड की जगह इसके जगह 3 कार्ड्स दे दिया, आपको क्या दिया आपका 2 की जगह 3 दे दिया, ठीक है 3 कार्ड दिया तो, और बाकी सेम रहा क्वेश्चन, जब 3 कार्ड निकालने के देगा तो P इवन और P ए वाई इवन, इवन इंटू और ए इवेंट में 2 की जगह हम 3 ले लेंगे, जो हमने इवन इवेंट लिया था मैं बता देता हूँ केवल, इवन इवेंट और इंटू इवेंट, इवन इंटू आपका सेम रहेगा जो लिखा था आपने, ए इवेंट जो है इसमें केवल चेंज होगा कि 2 कार्ड्स की जगह 3 कार्ड्स भी ड्रॉन और फॉर्म टू भी बुक आपका बोथ की जगह आपका तीनों ऑल डायमंड्स हो जाएगा, 3 कार्ड निकाल दो तीनों डायमंड। अब इसे P इवन की वैल्यू सेम होगी, जो पहले आया था आपका 1/4, P2 की वैल्यू भी सेम होगी
थ्री बाई फोर। अब आपका क्या चेंज क्या होगा, पी ए बाई वन इसमें चेंज हो जाएगा। पी ए बाई वन क्या आपका तीन कार्ड निकाल दो मतलब आपका डायमंड हो जाएगा। तो डायमंड को याद है, डायमंड का हो जाएगा 12 बाई 50 वन इंटू 11 बाई 50 इंटू 10 बाई 49 इस तरह आएगा, क्योंकि तीन कार्ड निकाल रहे हो। उस तरह पी ए बाई टू जब निकालोगे, पी ए बाई टू निकालोगे तो तीन, जब पी टू से ले रहे हो मतलब डायमंड नहीं खोया है, नॉन डायमंड खोया है। तो डायमंड 13 में मतलब 13 बाई 51 इंटू 12 बाई 50 इंटू 11 बाई 49। बाकी आपका ये बोलेगा कि फाइंड द प्रॉपर्टी दैट लॉस्ट पर डिवाइडेबल, p हम निकालेंगे e1 by p, फिर उस तरह p1 into p a by 1 upon p1 into p a by 1 plus p2 into p a by 2, जिसको नीचे वाले पार्ट को टोटल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो इस तरह ये सॉल्व कर लेंगे, फिर ये कट के आपका जो भी आएगा आंसर ये तीन का हो जाएगा, क्योंकि यही चीज पुट करना जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन बताया है। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज आती है, डायमंड की जगह इसमें चेंज करके क्या आएगा, इसे बता रहा हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट पार्ट बीइंग ए डायमंड की जगह, या मान लो हार्ट हो गया, चेंज कर दिया, क्योंकि यहां डायमंड था तो यहां भी डायमंड था, तो इस तरह क्वेश्चन एक तरह से मैंने बताया। अब ये डायमंड का यहां कोई भी दे सकता है, हार्ट दे सकता है, क्लब दे सकता है, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, तब हमको सबसे आसान तरीका जो इसमें होता है कि जो लॉस्ट वर्ड था, जो हम इवन इवन दो इवेंट पहले लेके कर रहे थे, वो हम चार इवेंट लेंगे। हम यहाँ पे चार इवेंट लेंगे, इवन ई टू ई थ्री ई फोर। अब यहां हम लेंगे कि इवेंट दैट द लॉस्ट पार्ट भी हार्ट, पहले हार्ट लेंगे यहाँ पे इवेंट, ऐसे लेंगे इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड बी हार्ट, हार्ट हो गया, फिर आपका इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड बी क्लब, फिर आप ले लोगे स्पेड, फिर ले लेना डायमंड, इस तरह हम ले सकते। और ए इवेंट हुआ कि टू ड्रॉन कार्ड, टू कार्ड आर ड्रॉन फाउंड टू बी बोथ डायमंड, ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम जो लेंगे यहाँ पे पी इवन और PE2, PE3, PE4, ये चारों वैल्यू आपकी सेम आएगी 13 बाई 52, 1 बाई 4 आ जाएगी, क्योंकि आपको चार हिस्से में डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे तो PA by 1, PA by 2, PE by 3, अब देखो PA by 1 का मतलब क्या है, आप कार्ड एक निकाल रहे हो दो, और दोनों का आप क्या पाया गया, हार्ड पाया गया, खोया क्या आपका, हार्ट ही खोया है, खोया आपका क्या है, हार्ट ही खोया, नहीं जो दो कार्ड पाए वो डायमंड पाए, दो क्या पाया गया, डायमंड पाया गया, खोया क्या है, हार्ट खोया है। तो हार्ट खोया तो डायमंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार्ट खोया तो डायमंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायमंड जो होगा आपका कितना होगा, 13 ही होगा, तो 13 बाई 51 इंटू 12 बाई 50 होगा। जब पी ए बाई टू निकालोगे, दो आपने डायमंड कार्ड निकाला, जहां पर यहाँ ग्रेट एंड प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, ठीक है, पी ए बाई टू मतलब दो कार्ड आप निकाल रहे हो और दोनों डायमंड आया है, जब खोया गया आपका क्लब खोया है, तो क्लब खोया है तो डायमंड तो 13 ही होगा, सेम प्रोबेबिलिटी आएगी 13 बाई 52 इंटू 12 बाई 50। पी ए बाई थ्री निकालोगे, इसमें भी सेम वही चीज आएगी कि आपका दो डायमंड निकाल रहे हो, खोया स्पीड है तो वो तो 13 ही रहेगा, 13 बाई 52 इंटू 12 बाई 50, सॉरी 51 इंटू 50। पी ए बाई 4 जब निकालोगे, पी ए बाई ई 4 जब निकालोगे, मतलब कि आप दो डायमंड निकाल रहे हो तो डायमंड ही खो जाए, तब आपका वहां पे 12 आता है, तो डायमंड ही खो गया तो 12 बाई 51 इंटू 12 मिल जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट पार्ट बी हार्ड, हार्ड को हमने क्या लिया था, इवन लिया, हमको फिर यहाँ निकालना है पी ए बाई इवन, तो इवन बाई ए, सॉरी हमको क्या निकालना है, पी इवन अपॉन ए, बेस थ्योरम लग गया यहाँ पे, बेस थ्योरम में क्या आएगा, फिर सेम फार्मूला वही, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी इंटू इंटू पी ए बाई।
बाई टू प्लस पी थ्री इंटू ए वन आई थ्री प्लस पी फोर इंटू ए बाई फोर, वो नीचे आएगा टोटल प्रॉपर्टी, और ऊपर क्या है जो आप निकाल रहे हो पी वन इंटू पी ए बाई वन, तो ऊपर क्या आएगा आपका पी वन इंटू ए बाई वन, पी वन की वैल्यू वन बाई फोर इंटू यहाँ से आएगा थर्टीन बाई फिफ्टी वन इंटू ट्वेल्व बाई फिफ्टी अपॉन नीचे चारों का आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो वही चीज आएगा यहाँ पे P1 into A by 1, P1 into A by 1, तो P1 1 by 4 into A by 1, ये जो आपकी वैल्यू आई है 13 by 51 into 12 by 50, फिर प्लस 1 by 4 into ये सेम चीज आ जाएगी 13 by 51 into 12 by 50, फिर प्लस उसी तरह आ जाएगा आपका 1 by 4 और यहाँ 13 by 51 into 12 by 50, अब प्लस लास्ट में आपका ये आएगा 1 by 4 into ये वाला पार्ट जो 12 by 51 into 11 by 50, ये by 51 into 11 by 50. अब ये सब में वही सेम चीज वही चीज है कि आप 1 by 4 और 12 by या 13 है, 12 by 50 सब में कॉमन आएगा, 12 by 50 सब में कॉमन आएगा, तो 1 by 4 से जब कॉमन हो गए तो 1 by 4 से 1 by 4 ये कट जाएगा, 51 से 51 ये सारा यहाँ से कटता चला जाएगा, 51 और 50 ये चारों चारों जगह से कट जाएगा, ऊपर जो यहाँ पे आएगा ये 12 से 12 भी कट जाएगा, कॉमन आएगा ये कॉमन आएगा ये कॉमन आएगा यहाँ से कॉमन आएगा, तो ऊपर जो आपका बचेगा यहाँ बचेगा 13, यहाँ पे 13 बचेगा और यहाँ पे 13 आएगा, तो वही आपका 39 प्लस 11 50 आएगा, ये आंसर जब यहाँ पर कोई अदर दे दिया और उस तरह आपका 11 बाई 50 आ रहा था। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसमें मैंने तीन क्वेश्चन बता दिया। पहला बताया कि जब आपका दो कार्ड निकाल रहे हो और बीइंग हार्ट की जगह डायमंड था, दूसरा केस बताया कि दो की जगह तीन निकालते हैं, वो भी बोर्ड में पहले आ चुका है, और तीसरा चीज आता है कि यहाँ डायमंड निकाला और आपको खोया है हार्ट, उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तीसरा चार करके निकालो, किसी के रिस्पेक्ट पूछा जैसे e1 e2, तो यहाँ पे बेस टू में चेंज जाएगा, e1 by h, e2 by h, e3 by h, ये आप पहले क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। ये रहा मेथड जो आपको अच्छी तरह मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने फ्रेंडों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और एनडीए वगैरह की आप तैयारी करना चाहते हैं और बहुत सारा मटेरियल मैं सर मोर चैनल पर दिया है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।